Dear listener, today we will talk about procrastination, our topic, where I will try to handle why people procrastinate, what effect it has, and how to overcome. I am Professor N.K Chadha, former professor head psychology department of University of Delhi, presently chief bureau of psychology, Chanakya IAS Academy. Procrastination, ye ek ऐसी बीमारी है जो इनफैक्ट 20% ऑफ पीपल लोगों के अंदर होती है. प्रोकेस्टिनेशन मीनिंग क्या है कि काम को डिले करते रहना. कोई भी काम है उसको कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठहर उसको अटेम्प्ट नहीं करना. और ये एक ऐसी हैबिट है, दिस इज लाइक दिस विच वी हैव, मैनी ऑफ अस हैव दिस. इनफैक्ट एवरी वन प्रोकेस्टिनेट बट टू ए वेरी लिमिटेड एक्सटेंट. There are 20% of the people who are habitual procrastinator. Means putting things, examination ki taiyari karni hai, nahi topic study karni hai, lekin isko hum delay kar denge, kal kar lenge, abhi to bahut time hai. Ye sari problems ke karan, what I have observed also, what I experienced with my student, very bright young student, that this habit of theirs never allow them to complete their syllabus. अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते और इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाते हैं उनसे. और वो यहाँ तक सीमित नहीं है, इवन जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी बैठ जाते हैं, वाइल सिटिंग ओवर द एग्जामिनेशन हॉल आल्सो दे प्रोकेस्टिनेट टू दिस एक्सटेंट दैट दे 10-20-30% द क्वेश्चंस दे फेल टू आंसर, इवन दे नो द आंसर ऑफ दैट. उनका आंसर जानने के बाद भी वो उसको नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं. इसके क्या कारण है, आज तो पहले मैं आपसे उन कारण की बात करूंगा. व्हाट आर द रीजंस व्हाई इट हैपेंस, व्हाई पीपल डू इट. सबसे बड़ा कारण इसका पहले है द इनएबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू मैनेज द इमोशंस. जब हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते तो वो बहुत बड़ा कारण बन जाता है प्रोकेस्टिनेशन का. सेकंड, टाइम मैनेजमेंट. हम अपने टाइम को शेड्यूल नहीं कर पाते, किस टाइम में क्या करेंगे वो नहीं कर पाते. थर्ड कारण इसका, वी फेल इन सेल्फ रेगुलेशन. ये अपने को रेगुलेट नहीं कर पाते, सेल्फ रेगुलेशन नहीं हो पाता हमारे से, तो देन दिस हैबिट टर्न टुवर्ड्स प्रोकेस्टिनेशन. अब प्रोकेस्टिनेशन वाले लोग इनवेरिएबली आप बात करें उनसे, उनके पास डिफेंस मैकेनिज्म बहुत बड़ा स्ट्रांग होता है. हर बात की वो जस्टिफाइड करने की कोशिश करेंगे कि मैं तो कर देता, मैं तो कर देती, इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज 2-3-4 वो रीजन आपको ऐसे बताएंगे, ऐसे लॉजिक बताएंगे कि जैसे लगेगा कि ये सच कह रहे हैं. उनको भी लगता है यही कारण है, एक्चुअल वो कारण होते नहीं है. वो उनकी हैबिट अच्छी हो जाती है कि वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाते अपने. एक और भी क्वालिटी है उनमें, जब भी आप उनसे बात करें वो आपको जस्टिफाइड करेंगे क्या कहकर, आई कैन वर्क अंडर प्रेशर. जब मेरे पास प्रेशर आता है तो मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ या करती हूँ, जब तक प्रेशर नहीं है. ये भी उनका एक लॉजिक जस्टिफिकेशन है प्रोकेस्टिनेशन लोगों का. और क्या कहते हैं वो लोग, वो क्या होता है उनके साथ, मेरे पास इतने सारे काम, कितने कुछ काम करने, मैंने 1-2-3-4-5-6-20-30 काम की गिनती दे देंगे आपको. ये सारे तो मुझे ही करने हैं. अगर हमसे पूछे कब करने हैं, कर लूँगा, ये तो मुझे पता है, आई विल डू इट. और दैट्स आल्सो बिकम द रीजन ऑफ दी, जो बड़ी कॉमन हैबिट्स मैं आपको बता रहा हूँ प्रोकेस्टिनेट जो लोग होते हैं उनके अंदर होती हैं. इन प्रोकेस्टिनेट लोग वो भी होते हैं जिनके मूड शिफ्ट बहुत होते हैं, एक जगह मूड स्टेबल नहीं है. दे कीप ऑन चेंजिंग देयर मूड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, कभी हंसेंगे, कभी नहीं हंसेंगे, कभी बात करेंगे, कभी नहीं बात करेंगे. बहुत मूडी लोग होते हैं जो प्रोकेस्टिनेट भी करते हैं. ये वो लोग भी होते हैं जिनके अंदर अपने पर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता. मैंने अपनी एक वीडियो में कॉन्फिडेंस के बारे में आपसे बात किया, हाउ टू डेवलप इट. इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो लैक कॉन्फिडेंस, ये फीडबैक नहीं ले पाते. अगर इनको फीडबैक दिया जाए, फीडबैक को ये सोच के चलते हैं कि मुझे जो फीडबैक मिलेगा वो नेगेटिव भी फीडबैक मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेगा. और प्रोकेस्टिनेट दो टाइप के होते हैं. एक टाइप के प्रोकेस्टिनेट वो होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रॉनिक प्रोकेस्टिनेटर, जो क्रॉनिक होते हैं. एक होते हैं सिचुएशनल,
circumstances, situation dekh procrastinator hote hain. Aur 20% of the population invariably dekha gaya research mein, they are the chronic procrastinators. Chronic procrastinator hona bahut buri baat hai. Isse aap apna target goal nahi set kar payenge. Aap jo karna chahenge wo complete nahi kar payenge. Ye chronic means self destruction. आप अपने आप को खुद ही डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपने आप को खुद ही डैमेज कर रहे हैं. सिचुएशन होते हैं सर्कमस्टांसेस के साथ, कोई सर्कमस्टांस ऐसे जिसके अंदर उनको प्रोक्रेस्टिनेट बन जाते हैं, वो चीज़ को पीछे डालना शुरू कर देते हैं. हमें क्या देखना है कि हमारी है स्टार्टिंग में हमेशा इसे ऑलवेज से सिचुएशनल प्रोक्रेस्टिनेटर. जब सिचुएशनल प्रोक्रेस्टिनेटर दैट हैबिट्स कंटिन्यू फॉर लॉन्गर टाइम, देन दैट टर्न आउट टू बी ए क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर्स. क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर बनने के बाद किसी भी चीज़ को, किसी अटेम्प्ट को, ये वो लोग होते हैं जिनका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता ना, वो एग्जामिनेशन के अंदर बैठकर अपने क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं. उनको ये समझ नहीं आती कि कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम निकाले, टाइम मैनेजमेंट बहुत पूरे होता है, प्लानिंग नहीं कर पाते पूरी तरह से. तो ये उनके कारण है जिसके कारण डिफरेंट कारण, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म कारण जो मैंने आपसे शेयर किए जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स के होते हैं. अगर हमें सक्सेस चाहिए, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू कंप्लीट एवरीथिंग ऑन टाइम, वेल ऑर्गेनाइज अगर हमें होना है, उसके लिए हमें पहले सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा हम अपनी प्रोक्रेस्टिनेटर की नेचर को कैसे बदल सकते, क्या बदल सकते हैं. इसे लर्न बिहेवियर, प्रोक्रेस्टिनेटर कहीं बाहर से नहीं आता, हमने इस बिहेवियर को लर्न किया अपने दिमाग में, वी हैव लर्न इट. अगर हमें लर्न किया, आई होप माई लिसनर यू विल एग्री विद मी, अगर हमें लर्न किया हम अनलर्न भी कर सकते हैं. जिस चीज़ को मैंने सीखा है उसको मैं भूल भी सकता हूँ, उसको अनलर्न भी कर सकता हूँ. सबसे पहले डिसीजन आपको क्या लेना है मेरे साथ बैठकर कि यस, जो मैंने ऐसा बिहेवियर अनलर्न कर लिया, जो मैं प्रोक्रेस्टिनेशन की जो सिम्टम मैंने बताया, अगर मैं उस टाइप के सिम्टम मेरे अंदर हैं, अगर पहले डिसीजन आपको ये लेना है, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ. आर यू प्रिपेयर टू चेंज? से यस. आई एम नॉट लिसनिंग. यस, अंदर से नहीं, जोर से बोलिए यस. यू से यस, यू कैन चेंज इट. इफ यू कैन चेंज इट, वांस यू टेक द डिटर्मिनेशन. आई हैव सीन इन माई काउंसलिंग सेशन ऑल्सो, आई हैव सीन पीपल हैव मेड कमिटमेंट, दे हैव टेकन ओथ, यस आई विल चेंज माई सेल्फ. वांस यू से आई विल चेंज माई सेल्फ, देन यू कैन ओनली चेंज. अगर आपके मन में अभी भी डर है कि आप नहीं चेंज कर सकते, मुश्किल है, कैसे करूँगा, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आप नहीं चेंज कर पाएंगे. आपको क्या कहना है, क्या सोचना है कि यस आई कैन डू इट, मेरे में कैपेसिटी है, मेरे में एबिलिटी है, आई कैन चेंज इट, और मैं चेंज करके दिखाऊंगा. एग्रीड? आर यू इंटरेस्टेड? शुड आई टेल यू सम टिप्स? यस आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेक द बिगर टास्क इंटू स्मॉल टास्क विच आर मैनेजेबल. जो भी काम आपने करना है उस सारे अपने काम को आप छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, उन टुकड़ों में जो आप मैनेज कर सकें. आप देखिए कितने टुकड़ों को मैनेज कर सकते हैं. जैसे आपने स्टडी करना है, 6 घंटे की स्टडी है, 6 घंटे की एक स्ट्रेच में मत कीजिएगा. अगर लगे 1 घंटे में कंसंट्रेशन आपकी 45 मिनट के बाद रिवर्ट हो रही है, ब्रेक इट टू 30 मिनट, 30 मिनट हैव ब्रेक फॉर 10-15 मिनट और हाफ एन आवर वट एवर, देन अगेन. सो अपनी बड़ी टास्क को, मेन टास्क को, चैप्टर को किसी को कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको छोटे टुकड़ों में, सब टॉपिक में बदल दीजिए, उसको फिर एक एक करके आप पिकअप करें, तो वो आपको हेल्प करेगा. जो चीज़ डिले हो रही थी वो प्रोक्रेस्टिनेट को ओवरकम करने में आपको हेल्प करेगा. सेकंड थिंग, सेट पर्सनल डेडलाइंस. अपनी डेडलाइंस सेट कीजिए कि किसी भी काम को, किसी भी टास्क को, किसी पेपर को, स्टडी को, मटेरियल को कितने टाइम के अंदर आप कंप्लीट करेंगे. जितना टाइम आपने एस्टीमेट कर लिया, इट ऑलवेज बेटर टू हैव प्लस माइनस 10% ऑफ दैट. सपोज आपने उसको 1 घंटे में सोचा है आपने करने के लिए, आप इमेजिन कर लीजिए कि ये 1 घंटे 60 मिनट की जगह 70 मिनट भी ले सकता है. 10 मिनट का क्वेश्चन रखिए, 50 में भी हो सकता है. अगर आपने 50 में कर लिया तो आपको टाइम बच गया नेक्स्ट टास्क को करने के लिए. सो पर्सनल डेडलाइंस को सेट कीजिएगा. थर्ड, सिस्टमैटिक इमोशन रेगुलेशन.
अपनी इमोशन रेगुलेशन इमोशंस को सिस्टमेटिकली रेगुलेट कीजिए. फॉर एग्जाम्पल ब्रीथ को, व्हेन यू ब्रीथ यू ट्राई टू सी योर ब्रीथ आल्सो, कैसे चल रही है, उसको डीपर चल रही है, कहाँ कहाँ चल रही है अंदर, उसको आप इमेजिन कीजिएगा, उसके साथ साथ आप वर्क कीजिएगा. एंड इमोशंस को रेगुलेट करते जो गलत इमोशंस हैं, काम करते हुए से फॉर एग्जाम्पल आप गुस्सा आता है, गुस्से में आप कुछ फेंक देते हैं, ये अवर्सिव बिहेवियर था आपका, इमोशन थी, इसको स्टॉप कीजिएगा धीरे से. एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट करेंगे तो दिस विल बी हेल्पफुल इन दैट प्रोसेस. फोर्थ थिंग, अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिएगा. सेल्फ फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंड हाउ टू फॉरगिव दी सेल्फ. अगर हम नहीं काम कर पाते, कई बार ये देखने में दिखाई देता है कि हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते, आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते. नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करना, आपने नहीं हुआ, सेल्फ फॉरगिवनेस को कहते हैं हम, करना स्टार्ट डू इट, दैट विल आल्सो हेल्प यू. बहुत सारे लोगों में देखा गया है वो परफेक्शन बनने की बात, आई वॉन्ट टू परफेक्शनिस्ट. देर आर एन नंबर ऑफ स्टडी अक्रॉस द वर्ल्ड विच शोज वेरी क्लियरली परफेक्शनिस्ट आर दोज पीपल हु कांट कंप्लीट देयर टास्क ऑन टाइम, दे ऑलवेज डिलेड एंड डिलेड टास्क. तो परफेक्शनिस्ट जो माइंड में, अगर परफेक्शनिस्ट बनना है, उसको ख़त्म कीजिए अब माइंड से. आपको काम करना है टू द बेस्ट पॉसिबल, आइडियल नहीं, जो रियल के अंदर आप कर सकें उसको सोचिए, ना कि आइडियल. अवॉइड दैट पर्सनैलिटी इन यू. अंडरस्टैंड इट्स यू हु कैन डू इट, कीप इन माइंड इट्स यू हु कैन डू इट, नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू. आई कैन डू, योर सिबलिंग कैन डू, योर पेरेंट्स कैन डू, योर फ्रेंड्स कैन डू, वॉट एवर यू कैन डू, यू आर द बेस्ट जज. एंड इफ यू आर द बेस्ट जज यू कैन डू इट, पहले माइंड में वो लिए. अगर माइंड में आपने ये लेकर आ गए, आपके माइंड में ये आ गया यू कॉन्ट डू इट, बहुत मुश्किल होगा. अगर आपने कह दिया बहुत मुश्किल हो गया तो बहुत मुश्किल होगा. किसने कहा है? कोई भी काम बहुत मुश्किल है, किसने आपको बताया? किसी ने नहीं बताया. आपको किसने बताया? आपने खुद अपने आप को बताया. इज योर ओन थिंकिंग, आपके माइंड ने आपको बताया ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता. तो इसी माइंड ने बताया और हेल्प आप मांग रहे हैं, देख रहे हैं काम पर आउट साइड, कोई और आपको हेल्प करेगा, क्यों करेगा? कारण आप हैं उसके. रिमेडी कहाँ से आएगी? बाहर से नहीं आएगी. रिमेडी कहाँ से आएगी? आपके पास से आएगी. आप ही को बताना पड़ेगा अपने आप को. यू हैव टू टेल यू कैन मैनेज, यू कैन डू इट, जस्ट ट्राई इट. आई टेल यू दिस विल हेल्प यू. आई होप दी फ्यू टिप्स विच आई हैव गिवन यू आर डेफिनेटली हेल्प यू टू ओवरकम योर procrastinator personality. And can I presume, can I hope that you are taking oath in front of me? Abhi aap kasam khaiye mere samne. Yes, you will do it. Great. I can see many of the hands raised that you will do it. Do it from now. Good luck. Thank you. Subscribe to our channel and click on the bell icon to get latest updates on upcoming videos.